हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा S8 अल्ट्रा एंड्रॉयड वॉच की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये वॉच आपको 1 GB रैम और 16 GB रोम के साथ देखने मिलती है और ये अब तक की सबसे सस्ती एंड्रॉयड वॉच है। तो आप ये वॉच को 2000 से लेके 2500 के बीच में परचेस कर सकते हो। आपको इसमें एक मैनुअल देखने मिल जाता है वॉच का, इसमें आप सिम कार्ड लगा सकते हो, इसमें आपको 2 स्ट्रैप देखने मिलती है और यहाँ आपको एक पिन वाला चार्जर देखने मिल जाता है जो कि आपको वॉच के साथ ही मिलता है। और यहाँ आपको 2 बेल्ट देखने मिलती है और यहाँ आपको S8 अल्ट्रा वॉच देखने मिल जाती है। तो मैं वॉच को रिमूव कर लेता हूँ और मैं वॉच के फीचर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको वॉच देखने मिलती है, इसमें आपको सिम कार्ड का स्लॉट भी देखने मिलता है जिसमें आप सिम कार्ड लगा सकते हो। इसमें आपको माइक्रोफोन देखने मिल जाता है यहाँ ऊपर और यहाँ आपको नीचे देखने मिलते हैं स्पीकर्स। मैं वॉच को यहाँ ऑन कर लेता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ आपको सबसे पहले 4G लिख के आएगा और यहाँ बाकी सब शो के लिए। इसमें हार्ट रेट का सेंसर नहीं है, ये भी सिर्फ शो के लिए। यहाँ से आप वॉच की चार्जिंग कर सकते हो और इसमें हार्ट रेट का सेंसर नहीं है। इसमें वॉकिंग काउंट होती है पर गाइस एक्यूरेट नहीं आती है आपके स्टेप्स। तो इस वॉच में आपको एंड्रॉयड सिस्टम देखने मिलता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ सिम कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ आपको सबसे पहले वॉच में ये लिख के आता है कि सिम कार्ड इंसर्ट करो, उसके बाद यहाँ से आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं अलग अलग। इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करोगे तो 8 घंटे तक वॉच का बैटरी बैकअप है। और यहाँ से आपको अलग अलग टाइप के वॉच फेसेस मिल जाते हैं। इसमें कोई भी इसका ऐप नहीं है जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप स्वाइप करोगे तो यहाँ से आप वाईफाई, ब्लूटूथ और डाटा ऑन कर सकते हो, फ्लाइट मोड ऑन कर सकते हो और यहाँ आपको लोकेशन देखने मिलती है। और अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे राइट साइड से तो आपको यहाँ पूरे ऐप्स देखने मिलते हैं। आप यहाँ से नीचे स्वाइप कर सकते हो जिसमें आपको पूरे ऐप्स देखने मिलते हैं। कॉलिंग कर सकते हो, चैट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। क्यूआर कोड में आपको ऐप का क्यूआर कोड मिलता है पर जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो वर्क नहीं करेगा। मैसेजेस मिलते हैं, गैलरी है वॉच में जिसमें आप फ़ोन के थ्रू फोटोज ऐड कर सकते हो। S8 अल्ट्रा में कैमरा नहीं है, इसका एक और वर्जन आया था पर उसमें भी कैमरा नहीं है। इसमें ब्राउजर मिलता है, क्लॉक, स्टॉपवॉच, यहाँ से आप म्यूजिक सुन सकते हो, साउंड ट्रैक है, इसमें फाइल एक्सप्लोरर है जिसमें आप वॉच की मेमोरी भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ 16 GB की आपको मेमोरी मिलती है जिसमें 9 GB आपको भरी हुई मिलती है। फिटनेस में अगर आप जाओगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको स्टेप्स देखने मिलेंगे और ये हार्ट रेट का जो यहाँ आपको ये सेंसर देखने मिल रहा है ये फेक है। अब यहाँ चेकिंग लिख के आ रहा है पर पीछे आप देखोगे तो हार्ट रेट का कोई सेंसर ही नहीं है, तो ये सेंसर है पर फेक है। तो आप देख सकते हो कि हार्ट रेट हवा में ही मेजर हो चुकी है, तो ये सेंसर मेरे को फेक लगा है इसका, बाकी वॉचेस का एक्यूरेट होता है। फिर यहाँ आपको सेटिंग्स में मैं आपको डिस्प्ले के फीचर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ आप डिस्प्ले को 30 मिनट्स तक के लिए ऑन रख सकते हो। ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर है, तो आप 30 मिनट्स को नॉन स्टॉप डिस्प्ले ऑन रख सकते हो। यहाँ आपको थीम का ऑप्शन मिलता है, थीम मैं आपको बता देता हूँ कैसे, एक डायल की थीम होती है। फिर दूसरी आपको वॉलपेपर्स देखने मिल जाते हैं जो कि आपकी वॉच में, यहाँ आपको ब्लैक देखने मिलता है, यहाँ आपको व्यू देखने मिलता है और यहाँ iOS का वॉलपेपर देखने मिलता है। फिर डेस्कटॉप स्टाइल में यहाँ आप इसका ऐप्स चेंज कर सकते हो, आपको 2x2 में चाहिए, 3x3 में चाहिए, वो रख सकते हो। तो मैंने यहाँ थीम चेंज कर दी थी तो आप देखोगे तो यहाँ iOS की थीम आ चुकी है, तो मैंने इसकी थीम वापस नॉर्मल कर दी है। अब मैं आपको प्ले स्टोर दिखा देता हूँ। तो इसमें प्ले स्टोर आप देखोगे तो बिल्कुल फ़ोन के जैसे ओपन होता है। आप इसमें बड़ी बड़ी गेम्स चला नहीं सकते हो जैसे कि BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी, पर आप छोटी गेम्स रन कर सकते हो। आप कोई भी गेम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और ये फ़ोन के जैसे इंस्टॉल होती है आपकी वॉच में। तो यहाँ से आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ आपको मिल जाता है क्रोम, तो क्रोम भी मैंने इंस्टॉल किया है और यूट्यूब भी मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। तो मैं यूट्यूब आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि YouTube ओपन हो चुका है। यहाँ आपको सारी ईमेल आईडीज, मैंने यहाँ ये मेरी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है
तो आप लॉग इन कर सकते हो और यहाँ से आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हो। और आप देखोगे तो इसमें साउंड भी आती है। तो आप YouTube शॉर्ट्स देख सकते हो, YouTube की वीडियो प्ले कर सकते हो। वॉच थोड़ी सी लैग भी होती है बीच बीच में। इसमें मैंने स्नैपचैट भी इंस्टॉल किया था पर ये वर्क नहीं करता है क्योंकि इसमें कैमरा नहीं है। फिर यहाँ आपको कैलसी का ऑप्शन मिलता है पर कैलसी में आप देखोगे तो कैलसी वर्क करता है और आप कोई भी कैलसी इसमें डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि इसमें प्ले स्टोर है। इसमें फेसबुक वर्क करता है, फ्री फायर वर्क नहीं करता है। इसमें मैं आपको एक गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं सबवे सफ़र को ऑन करूँगा। तो गाइस समझ लो कि आप एकदम छोटा फ़ोन है क्योंकि आप इसमें कोई भी गेम प्ले कर सकते हो, कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। पर जो ऐप्स की मेमोरी बड़ी होती है जैसे कि सबवे सफ़र तो आप प्ले कर ही सकते हो पर BGMI बड़ी बड़ी गेम्स प्ले नहीं कर सकते हो। पर वॉच में एक इशू है कि वॉच थोड़ी सी लैग होती है। तो मैं आपको गेम एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं ऑफलाइन हूँ तो गेम एकदम स्मूथ चल रही है पर जैसे ही मैंने नेट ऑन किया तो थोड़ी सी लैग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि गेम स्मूथ चल रही है अभी। इवन कि आप इसमें फ्रूट निंजा जैसी गेम्स प्ले कर सकते हो, साउंड भी काफी अच्छी आती है, कैंडी क्रश भी खेल सकते हो। तो यहाँ आप फ्रूट निंजा जैसी गेम्स प्ले कर सकते हो। इसमें आप इंस्टाग्राम भी लॉगिन कर सकते हो, व्हाट्सएप भी लॉगिन कर सकते हो, मैसेंजर भी लॉगिन कर सकते हो। पर जैसे ही आप व्हाट्सएप लॉगिन करोगे तो आपके फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा। इसमें डुअल व्हाट्सएप नहीं चलता है। तो गाइज ये थे पूरे फीचर एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के। तो ये अब तक की सबसे सस्ती एंड्रॉयड वॉच है, आप इसको परचेस कर सकते हो। मैंने प्राइस आपको बता दिया है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।